दोस्तों नमस्कार। जैसा मैंने कल शाम को लाइव में आपसे प्रॉमिस किया था कि फिजिक्स के प्रीवियस नीट के पेपर्स का सॉल्यूशन हम लोग ऑनलाइन डालेंगे, तो उसका मुहूर्त, उसका शुभारंभ आज करने जा रहे हैं। तो वाहेगुरु को प्रणाम करते हुए एक नया काम हम आज शुरू करने जा रहे हैं। लाइफ में पहली बार मैं इस तरह से लाइव आ रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें आपको थोड़ी सी क्वालिटी वो नहीं मिल पाए, उसके लिए बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होते होते सब चीज़ इम्प्रूव हो जाएंगी। हमारा मकसद इसमें क्या है कि प्रीवियस 2013 से लेके 2019 13 टू लेके 19 तक जो पेपर हुए हैं नीट के, उनको टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चंस को एक एडजस्ट किया है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनका सॉल्यूशन करेंगे थ्योरी को साथ लपेटते हुए। ठीक है डियर, बात शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ से स्टार्ट होती हमारी फिजिक्स वेक्टर से, वहाँ से बात शुरू कर रहे हैं। ये एक प्रश्न है नीट फर्स्ट 2016, फर्स्ट का मतलब 16 में नीट दो बार हुआ था, तो जो फर्स्ट नीट हुआ था 16 का, उसका क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज, कि दो वेक्टर जब साफ कहता अगला उनका सम करते हैं, उनका डिफरेंस करते हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो बताओ कि उनके बीच एंगल क्या रहेगा। तो दोस्तों उनके बीच एंगल हमें निकालना है। तो मैं इस प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपको दो वेक्टर का सम करना सिखा देता हूं दोस्तों। ठीक है, शुरू करें कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, उनके बीच एंगल थीटा हो, तो उनका सम जो करेंगे वो वेक्टर आएगा। वेक्टर में वेक्टर को सम करें तो वेक्टर आएगा, तो वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट भी वेक्टर है, तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड और फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन आपको मैं निकालने के लिए बोर्ड पे आता हूं। ठीक है डियर, अब थोड़ा सा ये अपना वो वाला बोर्ड नहीं है, चोक वाला, इसमें थोड़ी सी हो सकता है राइटिंग वगैरह आपको शुरू में डिस्टर्ब लगे, तो थोड़ा सा आप इसमें समझने की कोशिश करें। दोस्तों जैसे माना ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, इनके बीच एंगल है थीटा, हमें इन दोनों को सम करना, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है डियर, तो इसका रिजल्टेंट फॉर्मूला बनता से जानते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा अंडर द रूट, और उसका एक एंगल आता टेन अल्फा जो होता बी कोस थीटा, सॉरी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, वो डेरिवेशन बोर्ड पे कर देता हूं मैं, क्यों वो करने के बाद मुझे लगता है कि वेक्टर के किसी क्वेश्चन आप मात नहीं खाओ। पहले कहा कि केवल प्रश्न का सॉल्यूशन ही हमारा मकसद नहीं है, इस प्रश्न के बाने उसके आसपास की थ्योरी को लपेटने की हम कोशिश करेंगे। और 2013 से लेकर 2016 तक ऑलमोस्ट 360 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, इन सबका डिस्कस करने का हम लोग एक कार्यक्रम शुरू किया है। ओके डियर, तो अपन इसको लेते हैं जी, आ जाओ। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इन दोनों का सम करेंगे तो डियर ये इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर है। क्लियर, आप इसको ये डैश डैश करके यहां इसको मिला देते हैं, ये डैश डैश करके इसको यहां मिला देते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ा देते हैं। ये आप जानते हैं इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आर बन रहा है ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है। इट क्लियर, अब हम जानते हैं ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर बी क्या होगा दोस्तों, वेक्टर बी होगा। अब यहां थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स का यूज कर लेते हैं, इस लाइन को खींचते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी दोस्तों थीटा होगा, तो ये आप जानते हो बी है, ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा, प्लीज प्लीज बोले, बोलो बोलो सब लोग एक साथ, बी कोस थीटा, ये कंपोनेंट क्या बनेगा, बी साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखें कि ये आपका ट्रायंगल बन गया, यहां से लेके यहां तक बन गया। ओके डियर, जिसकी आर इसका रिजल्टेंट है, तो आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों आर इक्वल टू क्या होगा, रूट, ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां ए, ये कितना है बी कोस थीटा, तो टोटल क्या हो गया ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर, और आपकी पूछा क्या है बी साइन थीटा, तो ये दोस्तों क्या हो गया बी साइन थीटा का स्क्वायर। इन सबको हम सोल्व करेंगे, थोड़ा समय यहां आपको पूरा डिटेल बात कर लूं, कि हो सकता है 11th का बच्चा भी कोई देख रहा हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा अभी यहां ए स्क्वायर प्लस यहां ये बी कोस थीटा के साथ दोस्तों
बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा आएगा। थोड़ा सा इसमें लिखाना, एक बार ये फर्स्ट टाइम बोर्ड पे हो रहा तो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा इसको अपने को, आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब डियर इसको अपन एक स्टेप सीधा लिख देंगे आपके लिए, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर कोस थीटा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर आप कॉमन लेते हैं अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है वन, तो डियर क्या बन जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, ये इस रिजल्ट वेक्टर का वैल्यू आ गई। अब हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए, क्लियर है ना। फिर देखो सब लोग, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, उनके बीच एंगल थीटा है, आर इसका रिजल्टेंट है, तो ये पैरेललोग्राम थ्योरम बना लेते हैं हम लोग, इसे ना समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, तो ये बी तो ये बी थीटा, तो ये कंपोनेंट बी कोस थीटा, ये कंपोनेंट बी साइन थीटा। आप देखिए फिजिक्स में छोटी छोटी चीजें बहुत काउंट होती हैं, आपको कंपोनेंट बनाने आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखेंगे तो आर का स्क्वायर अपने जानते ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस क्या ए प्लस बी कोस थीटा, तो ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ये है, रूट कर लेंगे पूरा आपके सामने आ गया। तो आर इक्वल टू याद रखो, बोलो एक साथ मेरे साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा का अंडर द रूट, ये दो वेक्टर के सम का एक रिजल्टेंट फॉर्मूला हो गया, क्लियर ओके। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन की बात डियर करेंगे तो आप जानते हो डायरेक्शन क्या है, टेन अल्फा। ये देखो पूरा प्लीज आप मेरे हाथ ना उंगली के साथ ना, ए ये आपका पूरा त्रिभुज है, ये एंगल अल्फा है, तो आपके सामने इसका क्या होगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये लो जी डियर। तो आर की वैल्यू भी आ गई, यानी आपका मैग्नीट्यूड भी आ गया, आपकी डायरेक्शन भी आ गई, ये हमारे वेक्टर पे बात हो गई। अब हम इसको अपने प्रश्न पे जो आप पूछा गया है उस पे अप्लाई कर देते हैं, आ जाओ जैसा अगला कह रहा वैसे वैसे करो। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, दोस्तों अगले ने पूछा मैग्नीट्यूड, ध्यान दो ए प्लस बी ये मैग्नीट्यूड ओके, जानते हो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। मैं जब बोर्ड पे किसी क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मैं ये मान के बात शुरू करूंगा कि सामने वाला बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, इसलिए हो सकता है बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आते होंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ जाए अपने। तो ए प्लस बी इक्वल टू ये मैग्नेट जानते हो, लाइने मैग्नेट शो करती है। अब दोस्तों इसका अपन सोल्यूशन करें तो हम सब जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2ab cos थीटा उधर माइनस 2ab cos थीटा है, तो दोस्तों इसको मैं इधर लूँ एक साथ है, तो क्या बनेगा 4ab cos थीटा इक्वल टू जीरो। तो आपको साफ साफ पता लग रहा है cos थीटा इक्वल टू जीरो, तो दोस्तों थीटा इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री, तो आंसर तो मेरा आ गया 90 डिग्री, लो जी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको आप तो, फिजिक्स में आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, फिजिक्स में सारा खेल आपकी लैंग्वेज का है कि सम ऑफ टू वेक्टर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंगल निकाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के समझाना चाहूं, मैंने कहा ना केवल क्वेश्चन सॉल्यूशन करना मेरा मकसद नहीं है, दोस्तों आप सब जानते हो कि ये वेक्टर है ए और ये 90 डिग्री पे है, ये बात अगला कह चुका, ये बी है ये तो इनका सम है तो ये इसका रिजल्टेंट है, और इसको जब मैं माइनस बी कर दूं तो ये दोस्तों इसका क्या हो गया डिफरेंस हो गया, ये दोस्तों फिर इधर आ गया। अक्सर लोग बाग ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करते हैं तो ऐसा लिखते हैं, जबकि आप सब जानते हो ये बात शुरू में की जाती है, बाद में हम ऐसे लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं कि माइनस कुछ होता ही नहीं है वेक्टर में, माइनस कुछ होता ही नहीं है, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड करना होता, तो ये आपके सामने है ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन अलग अलग है, हमें उससे मतलब ही नहीं, अगला तो कहता है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ये दोस्तों आपका एक क्वेश्चन हो गया, ये वेक्टर पे बात हुई। लेकिन यहां आपको चार पॉइंट भी याद करवा रहा हूं दोस्तों, दो वेक्टर सपोज करो एक आर1 है एक आर2 है, कि मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा का रूट। अब इसको मैं r
आर वन ले लूँ, आर टू ले लूँ, उनके बीच का एंगल थीटा कर दूँ और रिजल्टेंट आर करूँ, तो दोस्तों मास्टर फॉर्मूला बनता है मेरा आर इक्वल टू आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर टू आर वन आर टू कोस थीटा। अब यहाँ चार कंडीशन है, भगवान चाह तो ये नेट 220 के क्वेश्चन हो जाएंगे। दोस्तों यदि थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, यदि जीरो डिग्री पे आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट आएगा आर वन प्लस आर टू। और उसके एक कंडीशन यहां कर दो, यदि आर वन आर टू के बराबर है तो ये क्या बन गया टू आर। चलो जी अब आप अगला पॉइंट लो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो दोस्तों आर की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, आप जानते हो कोस 90 का मान जीरो होता है, तो ये क्या होगा आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर रूट, इसको इक्वल कर लें तो रूट टू आर आ गया। अगला एक बहुत ही प्यारा पॉइंट है 120 डिग्री, और ये तो सबसे अच्छा अप्लाई तभी होता है कि एंगल 120 डिग्री हो और आर वन आर टू के बराबर हो, तो इस क्लास की श्रेष्ठतम बात दोस्तों कह रहा हूं, आर डैश की वैल्यू आर के कुल हो जाएगी। इस बात को थोड़ा ध्यान दें, यदि एक वेक्टर आर एक वेक्टर दूसरा आर है उनके बीच का एंगल 120 हो तो उनका दोस्तों सममी आर ही होता है। वो क्वेश्चन आता है दो पांच पांच न्यूटन के फोर्स हैं, उनको किस एंगल पे किसी बॉडी पे लगाया जाए कि बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स भी पांच हो, 120 एंगल लगा दो, बहुत जो काम आएगा। इसी तरह से यदि मैं 180 डिग्री की बात कर लूं, यदि इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल 180 डिग्री हो तो आप सब जानते हो दोस्तों आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आर वन माइनस आर टू, और यदि आर वन आर टू बराबर हो तो आर डैश का मान क्या हो जाएगा जीरो। तो अब चलो हो जाओ मेरे साथ, हो जाओ शुरू करूं, थीटा जीरो आर डैश इक्वल टू टू आर, थीटा 90 आर डैश इक्वल टू रूट टू आर, थीटा 120 आर डैश इक्वल टू आर, और थीटा 180 आर डैश इक्वल टू जीरो। इतने वैल्यू याद कर लो, नीट में शायद ये सफिशियंट है। तो ये एक प्रश्न का हमारा सॉल्यूशन है। इस प्रकार से अगले हर प्रश्न का सॉल्यूशन हम थ्योरी को आसपास लपेटते हुए करना चाहेंगे जो 2016 में आया है, और ये वेक्टर का एक अच्छी प्रॉब्लम अपने आप कह सकते हैं। ओके डियर, अब अगले प्रश्न पे आते हैं, थैंक यू। ओके दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन नीट 2019 में आया है, लास्ट ईयर 2019 के नीट में आया है। चलो बात शुरू करें फिर वेक्टर पे। मैंने कहा ना हमने वेक्टर्स के सारे क्वेश्चन 2013 से लेके 2019 तक को सबको एक साथ कर लिया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार की प्रॉब्लम आई। एग्जाम बहुत ईजी होता है, एक्चुअल नीट का एग्जाम बहुत कॉन्सेप्चुअल बहुत आसान होता है। बच्चे यदि ट्रैक से पढ़े ना तो कोई बहुत मुश्किल सिलेक्शन नहीं है। पब्लिक पढ़ती पता है क्या कह रहती है, साहब कहता है पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी वी इज एक्टेड बाय द थ्री फोर्सेज शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल पी क्यू आर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। साहब कहता भाई सदिश पी क्यू आर में दर्शाए अनुसार वेग वी से गतिमान किसी कण पे तीन बल कार्य कर रहे हैं, तो इस कण का वेग क्या है। देखो दोस्तों आपके सामने एक त्रिभुज है, वेक्टर सदिश जानते हो ना, और सदिश का मतलब होता याद करो एक डिस्प्लेसमेंट होता है एक डिस्टेंस होती है, वो वेक्टर होता है। तो जहां से स्टार्ट होके वापस वहीं आ जाए, मान लो आपने एक ऐसा पूरा आप सपोज करो आपने एक पहला पूरा एक सर्कल घूम लिया, तो डिस्टेंस तो क्या हुई 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां भी भाई ये ट्रायंगल किसको शो कर रहा है फोर्स को, फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी। जो चले कहां से अपन, मान लो अपन चले यहां से आर से कहां पर गए पी पर, पी से कहां पर आए क्यू पर, क्यू से दोस्तों कहां पे आर पे। आप सपोज करो मान लो ये एफ वन वेक्टर है, ये एफ टू वेक्टर है, और ये एफ थ्री वेक्टर, तीन फोर्स मान लो। अगला खुद कहता है एफ वन एफ टू एफ थ्री तीन फोर्स हैं, जहां से चले वापस वहीं आ गए। आप जानते हो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक होते हैं तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी क्या बन जाती है जीरो। तो लो जी डियर इसका डेल्टा एफ भी क्या हो गया भैया जीरो। तो आपके सामने सामने दोस्तों एफ टोटल क्या है, जब एफ जीरो है फोर्स जीरो हो गया, तो बिना फोर्स तो आप जानते हो कुछ होता ही नहीं है। तो बस सीधी सी बात है कि आपके सामने ये कहता है रिमेन कॉन्स्टेंट चेंज अकॉर्डिंग टू द, तो सिंपल बात हो गया भैया रिमेन कॉन्स्टेंट हो गया, हमारा इस कण का वेग क्या रहेगा नियत रहेगा, क्योंकि बिना बल के आपका कभी वेग नहीं हो सकता। तो ये आपका प्रश्न हो गया। लेकिन आप इस पे फिर बात पकड़े, एक ट्रायंगल में आप जहां से चले वापस वहीं आ गए, ट्रायंगल इश्यू नहीं है, सर्कल में जहां से चल के इनिशियल पॉइंट से चल के वापस आप आते हैं फाइनल पॉइंट पे, तो वेक्टर क्वांटिटी डियर जीरो हो जाएगी। यहां वेक्टर क्वांटिटी की बात की, फोर्स जीरो हो गया इसलिए वेलोसिटी जीरो होगी, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। ओके थैंक यू। हां तो मैंने पहले दो क्वेश्चन कराए वो दोनों वेक्टर पे थे, अब थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं जो दोस्तों हमारे
एरर पे है, एरर पे मेडिकल में ऑलमोस्ट एक प्रॉब्लम आती है। एरर पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, एरर पढ़ाते समय तो टीचर आपको सारी बात करता है। एक बात ध्यान दें बच्चे, जब टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है तो वो आपको कॉपी में बहुत सारे पेज भरवाता है, कुछ बच्चे जुलाई में भी उस पेज को उतने पढ़ते हैं, और जब फरवरी में पढ़ने बैठते तभी वो चार पेज को चार पेज, ऐसा नहीं होता भाई। फरवरी आते आते तो बिल्कुल बटर निकल जाता है, उसका मक्खन निकल जाता है, और अप्रैल के महीने में तो और छोटा हो जाता है। मुझे बताओ, माना एग्जाम आपकी 3 मई को नीट की, तो क्या 2 मई को आप सारी किताब पढ़ के जाओगे कि यार फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है? ऐसा नहीं होता है। फिर आपको धीरे धीरे उनको समराइज करना होता है, लास्ट में घूम के आपको ट्रिक्स पे आना होता है, टिप्स पे आना होता है, फॉर्मूलों पे आना होता है, और एनसीईआरटी पे आना होता है। ये दोस्तों आपके सामने एक एरर की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आप पढ़े, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटी ए बी सी डी आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3%, 4% रेस्पेक्टिवली, क्वांटिटी पी इज कैलकुलेट एज फॉलो। ये एक फॉर्मूला है और ये दोस्तों परसेंटेज की एरर है। ठीक है डियर, थोड़ा सा मैं इस फॉर्मूले पे जाने से पहले एरर के बारे में आपसे बात कर लेता हूं। एक बात सपोज करो कि मान लो कि कहीं आपको 100 काउंट करने थे, ठीक है, ध्यान क्लास का, 100 काउंट करने थे और आपने उसके बदले वहां 90 काउंट किए, तो नॉर्मल तो आपने क्या कहा, कितनी मिस्टेक हुई, 10 की। लेकिन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कहोगे, 10% की, ठीक है डियर। और रेस्पेक्ट में आप इसको काउंट करना चाहोगे तो आप क्या कहोगे, 1/10 की। इस तरह से ये चीजें बन जाती हैं, है ना, सापेक्ष, निरपेक्ष, परसेंटेज। तो मोस्टली क्या होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो इसमें जब जब ये फॉर्मूला बनता है, कोई फॉर्मूला हो, तो दोस्तों पी की जब भी बात करेंगे, आप इसके एरर की बात करेंगे, तो आप इसको डेल्टा पी अपॉन पी लिखें तो पावर को नीचे ले लो। अब ये फॉर्मूला आपको पूरी साल टीचर पढ़ाते हैं, इनकी चर्चा नहीं करूंगा मैं यहां, ठीक है। अब यहां प्लस लगाओ माइनस, प्लस लगाओ, एरर के माइनस में नहीं आती है, वो चीजें सब आपको टीचर बता चुके हैं। डेल्टा बी अपॉन बी, अब दोस्तों सी नीचे है, ऊपर माइनस आएगा, बट मैंने कहा पावर माइनस नहीं होती है, तो ये आपका डेल्टा सी बाई सी। डी पे भी कोई पावर नहीं है, तो दोस्तों ये डेल्टा डी बाई डी। ओके डियर, अब थोड़ा सा इसको वैल्यू पुट कर दें। ए की एरर कितनी है, 1%। बी की एरर कितनी है डियर, 2%। सी की एरर कितनी है, 3%। डी की एरर कितनी है, 4%। इक्वल टू कर लो, ये देखो 3 है, ये 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7 और 3, 10, 10 और 4, 14। लो जी, आज का आंसर आ गया 14%। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों आपको यहां से, अब यहां जब सेशन एंडिंग पे है तो पूरी रामायण नहीं गाई जा सकती उसकी, अब इसको ट्रिक्स बोलते हैं, पकड़ना पड़ता है कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की पावर को नीचे ले लो, और ये जो डेल्टा ए अपॉन ए है, जो चेंज है, ये परसेंटेज है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके फर्क पड़ता है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, चेंज हो जाएगा। तो ये अपने आप में आपका एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ये एरर का क्वेश्चन 2013 में आया। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक डेटा आपके साथ इस पे और शेयर करना चाहूंगा डियर। जैसे कहीं कोई चीज 5 थी और उसकी जगह हमने 4 पढ़ दिया, लो मैं थोड़ा सा एरर पे और आता हूं इसी समझाने के लिए, 5 पढ़नी थी, हमने 4 पढ़ दिया, तो एक आदमी पूछता साहब निरपेक्ष इरेस्पेक्टिव आपके कितनी एरर आई, तो आप कहोगे साहब 1 की आई, गलती 1 की हुई ना, पढ़ना 5 था, पढ़ा आपने 4, ये तो इरेस्पेक्टिव हो गई, बट एक गलती किसमें हुई, तो अब वो कहता है कि साहब ये किसके सापेक्ष हुई, रेस्पेक्ट गलती किसके हुई, तो इसका आंसर क्या देंगे अपन, 1/5, 5 के सापेक्ष गलती 1 की हुई। और अगला कहता साहब कितने परसेंटेज की गलती हुई, तो दोस्तों इस 1/5 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ गया आपके सामने, 20%। तो डियर अगला कहता गलती 1 की हुई, लेकिन 1 नहीं, वो गलती 20%, जैसे कहीं 100 मेजर करना था और वहां आपने 99% मेजर किया। मैं ध्यान चाहूं बच्चे का, ध्यान सुनो मेरी बात, मुझे 100 मेजर करना था और मैंने 99 मेजर कर दिया, या मैं कहूं कि मुझे 100 बोलना था, मुझे आपको 100 रुपए देने थे और मैंने आपको 99 रुपए दे दिए, तो मैं कहूंगा 1 रुपए की बेईमानी कर ली, गलती 1 रुपए की हुई। और आपको मुझे 5 देने थे और फिर भी आपको मैंने 4 दिए, तो भी गलती 1 रुपए की हुई। 100 के पीछे भी गलती 1 रुपए की है, 5 के पीछे भी गलती 1 रुपए की है, लेकिन दोस्तों परसेंटेज निकालो, 100 में से 1 गायब करने का मतलब 1% गायब होता है, लेकिन 5 में से 1 गायब करने का मतलब गलती दोस्तों 20% की होती है। ये एरर 3 प्रकार की होती है। पहली गलती है 5 में को मैंने 4 पढ़ा तो 1 की गलती हुई,
तो आप कहेंगे इरिस्पेक्टिव गलती के, निरपेक्ष गलती क्या है एक, सापेक्ष विद रिस्पेक्ट क्या है 1/5, परसेंटेज क्या है 20%, ये इसके ज्यादा मैं नहीं मानता मेडिकल में एरर भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके डियर, थैंक यू। हाँ बच्चों, ये फोर्थ क्वेश्चन है नीट, जिस तब AIPMT होता था, नीट नहीं था उस समय, 2014। ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। ओके डियर, डायमेंशन की हेल्प से डायमेंशन बनाना, वैसे फंडामेंटल डायमेंशन तो आप जानते हो चेंज होती नहीं है कभी, ये वास्तव में आप देखो क्वेश्चन 14 नेक्स्ट दिखाना, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिखाना बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है 15 में आया, अगला क्वेश्चन निकालना दोस्तों 16 में, छठा क्वेश्चन है अगला निकालना, ओके पीछे है, तो आप देखें 4, 5, 6 ये तीन क्वेश्चन लगातार 14 में भी आया, 15 में भी आया, 16 में भी आया, तो मान के चलना है 2020 की प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन बोर्ड पे। ठीक है डियर, इसका कॉन्सेप्ट देख लो आप सब लोग, बहुत ईमानदार है, बहुत कूल माइंड से, प्लीज रुक जाओ एक मिनट, रुक के है ना, रुक के। साफ कहता है फोर्स एफ, वेलोसिटी वी, टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, आपको MLT फंडामेंटल से कौन होती है MLT होती है, बट इसमें थोड़ा कल्पना कर ली, देन डायमेंशन ऑफ मासेज आर, यदि इनको माने फंडामेंटल तो मास की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है डियर, तो इस मास की डायमेंशन मानने के लिए इसका तरीका होता है, इधर आप दोस्तों मास लिखें, लिख लिया, जो अगला कहता है अब आ जाओ, अब आओ फंडामेंटल पे, सबसे पहले किसको मानना फंडामेंटल, एफ को, तो एफ के ऊपर एक पावर एक्स लगा दिया, चलो जी, उसके बाद कौन है वेलोसिटी, छोटा वी लिख दो इसको, आप कहो तो इसके ऊपर वाई लगा दो, फिर दोस्तों कौन है टी, इसके ऊपर आप जेड लगा दो। एक बात सुनना, ये रूल नहीं कि एफ पे एक्स लगाए, किसी पे लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, MLT को TLM बोल दो, पर एक सीक्वेंस है, बस ये पहले पे लगा दिया। अब आपको फोर्स की, वेलोसिटी की और टाइम की जो रियल डायमेंशन है वो लिखनी है। चलो आगे आ जाओ, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है पूरी क्लास जानती है, M1 L1 T माइनस 2। थोड़ा सा मैंने कहा लिखने में प्रॉब्लम चल रही है, नया बोर्ड है मेरे लिए, T माइनस 2, इसकी पावर क्या है अक्ष, वेलोसिटी की पावर पे आ जाओ, M0 L1 T माइनस 1 Y, और दोस्तों टाइम की डायमेंशन आप जानते हो M0 L0 T1 और Z। फिर सुनो बच्चों, ये एक परफेक्ट प्रॉब्लम है कि अगला कहता मुझे F को V को T को फंडामेंटल यूनिट मानना है और मास की डायमेंशन के रूप में कन्वर्ट करना है, तो F के पावर X, V की पावर Y, T की पावर Z। स्पष्ट सुन लो, आप किसी पे XYZ लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये आपकी मास है, तो मास की डायमेंशन क्या है लिख दूं यहीं, M1 L0 T0, got it। चलो अब मुझे इसको मिटाना होगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, आ जाओ सर। अब आप देखें ये दोस्तों T-1 है, ये पावर Y है, थोड़ा मिट गया था, आई डियर चलो जी। अब आप देखो M पे क्या है 1 अक्ष, ये M0 है तो कुछ नहीं आएगा, वो M0 है तो कुछ नहीं आएगा, गोट इट, देखो 1 X। अब आ जाओ L पे, आ जाओ तो L पे कौन है अक्ष, यहाँ L पे कौन है डियर माइनस Y, यहाँ L पे कौन है 0, तो कुछ नहीं आएगा डियर। आगे चलो आप T पे आ जाओ, T पे कौन है माइनस 2 है, तो ये क्या बन गया माइनस 2 अक्ष। ठीक है डियर, ये क्या बना माइनस Y और ये क्या बना प्लस जेड, बोलो हाना, देखो M पे 1 अक्ष, M पे Y 0, जेड 0, L अक्ष, L पे Y, ये गड़बड़ कर गया अपन, L पे Y प्लस है, ओके ये प्लस प्लस है ना, इसे गलती हो जाती है ना भाई, तो ये L पे 1 है, ये L पे Y, L पे 0। T पे आओ माइनस 2 अक्ष, बिल्कुल सही हूं, माइनस Y बिल्कुल सही हूं, जेड हो गया डियर। चलो जी इसको साफ करें, अब आपको जानते हो लेफ्ट साइड को राइट साइड इक्वल कर दो, M पे पावर क्या है 1, इधर M पे पावर क्या X, तो X इक्वल टू 1, एक बन गई, L पे पावर क्या है 0, तो इसको X प्लस Y इक्वल टू क्या कर दो 0, थर्ड कौन है माइनस 2X माइनस Y प्लस Z, ये कौन है दोस्तों फिर 0, लो 0 कर दो। अब तुम कह रहे हो कि X की वैल्यू 1 है, ठीक है डियर, एक्स की वैल्यू 1 है आपके सामने है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू माइनस 1, ठीक है डियर,
और उसके बाद आपके सामने यहां वैल्यू पुट करेंगे, ये तो निकालना होगा ना। तो एक्स की वैल्यू, थोड़ा इसको अपन डिलीट कर लेते हैं यहां से, आ जाए जी। तो एक्स की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू वन है तो यहां मैं एक्स की वैल्यू पुट करूं वन, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन। बोलो इतना तो कर लो, डायरेक्ट कर सकते हो यार, सेशन एंड हो रहा है। इसको मैं सोल्व कर दूं थोड़ा आपके लिए, देखो माइनस टू, एक्स बोले तो वन, इसको वन से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस वाई तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वन, जेड क्या है आपको निकालना है, इक्वल टू क्या है जीरो, ये माइनस टू प्लस माइनस वन, तो दोस्तों जेड इक्वल टू क्या हो गया वन। यानी कहने का भाव ये है डियर, एक्स की वैल्यू है वन, वाई की वैल्यू है माइनस वन और जेड की वैल्यू है वन, ये वैल्यू आई हमारी। अब यदि मैं मेरी पुरानी चीज को याद करूं, जो तू पीछे वीडियो में जाके देख सकता है कि हमने क्या कहा था, हमने कहा था मास इक्वल टू एफ की पावर एक्स, वी की पावर वाई और टी की पावर जेड। ये ले पुत्र वैल्यू पुट कर दे, तो एफ वन, वी की पावर माइनस वन, टी की पावर वन, और दोस्तों ऐसा आप देखें तो कौन सा फॉर्मूला हो गया आपके सामने, फोर्थ आंसर हो गया। तो देखिए भाई आपका कौन सा आंसर है, फोर्थ आंसर हो गया, क्लियर, अपने आप में कॉन्सेप्ट है। ओके थैंक यू। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर कराया आपको मैंने, सेम क्वेश्चन नंबर फाइव है जो AIPMT 2015 में आया, पहले भी आया फिर आ गया, सेम प्रॉब्लम है, इसको आप समझ लो। अब ये दो बार करने के बाद भी भाई एग्जाम में गलत करते हो, इसका मतलब अपना इंटरेस्ट नहीं पढ़ाई, भाई सीधी सी बात है, ठीक है डियर। डायमेंशन याद करनी है अपने को, साफ कहता देखो अगला, इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी, टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस स्ट्रेंस विल बी, ठीक है डियर, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला निकालना है। ए भाई एस लिखा, एस फॉर सरफेस टेंशन। चलो जी सबसे पहले क्या लिया अगले ने, एनर्जी, इसकी पावर क्या लगाऊं एक्स, तुम बोलो, बोलते जाओ, वेलोसिटी वी, पावर क्या लगाऊं वाई, उसके बाद टी, पावर क्या लगाऊं जेड। कोई नया काम किया मैंने, कोई नया काम नहीं किया, यहां लिखा सरफेस टेंशन, मैं नहीं कह रहा हूं, अगला कह रहा है। फिर मेरे को पता है एम एल टी तीन बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, एक पे एक्स लगा लिया, एक पे वाई लगा लिया, एक। अब यदि आप गहराई में जाके देखो तो इसमें क्या है, आपको केवल विमाएं याद करनी है, आपको डायमेंशंस याद करनी है, आपको अब विमाएं याद नहीं है, डायमेंशंस याद नहीं है, फिर तो भाई आप कैसे कह सकते हो जी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, भाई हमें काम करना होता है। आ जाओ जी सबसे पहले एस की डायमेंशन क्या होती है, तो साइड में समझा दूं, एस इक्वल टू आप जानते हो एफ अपॉन एल होता है, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स होता है ना, फोर्स को लंबाई से डिवाइड कर दो तो आप वो सरफेस टेंशन बन जाता है। तो एस की डायमेंशन जो है वो तो आप एफ की वैल्यू पूरा कर दूं आप लोगों को, तो एम वन, एल क्या होता है एल वन, और ये क्या होता है टी माइनस टू, एल क्या होता है एम जीरो, एल वन टी जीरो, पूरा सोल्यूशन कर लिया बच्चों के लिए। तो डियर क्या बन गया, एम वन एल जीरो और टी माइनस टू, ठीक है, ये आपका सरफेस टेंशन यूनिट बन गई, एम वन एल जीरो टी माइनस टू, मिटा दूं, देख लिया। चलो जी ये मिट गया डियर, आ जाओ हो जाऊं शुरू, एम वन एल जीरो क्या था बोलना यस टी माइनस टू, आ जाओ जी। अब इनर्जी भी आ जाओ, आप जानते हो इनर्जी वर्क, इन दोनों की डायमेंशन एक ही होती है, क्या होती है सब एक साथ बोलो, एम वन एल टू टी माइनस टू की पावर एक्स, वेलोसिटी क्या होती है एम जीरो एल वन टी माइनस वन की पावर वाई, टाइम तो टाइम होता है एम भी जीरो होता है, एल भी जीरो होता है, टी वन होता है, टी वन होता है, और इसकी पावर क्या भैया जेड। फिर सुन लो भाई किस बात की वैल्यू है, बेसिक चीजों की डायमेंशन विमाएं आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बता दिया, अगले ने कहा सरफेस टेंशन लिखा साइड में, किसको माना फंडामेंटल, फोर्स को माना, वेलोसिटी को माना, टाइम को माना, बना दिया आपके सामने हमने, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। चलो जी अब आप देखें, अब इसको आप पावर को जोड़ें सबको आपस में, तो एम के ऊपर कौन है अक्ष एक बार है, यहां दोस्तों वाई जीरो जीरो खत्म हो गया, एल पे आ जाओ, ये एक्स कितनी बार है टू बार, यहां दोस्तों एक्स कितनी बार है एक बार, तो वाई, और आपके सामने यहां एल है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप टी पर आ जाओ, टी कितनी बार है पितर माइनस टू एक्स टाइम, ये क्या है माइनस वाई टाइम, वो क्या है प्लस जेड टाइम, और इधर क्या है एम वन एल जीरो टी माइनस टू, टी माइनस टू, बस
इक्वेशन लेफ्ट साइड राइट साइड, सिंपल मैथमेटिक्स है। एक्स लेफ्ट को राइट कैलकुल कर देते हैं, तो मैं इन चीजों को मिटा दूं क्योंकि बोर्ड पे जगह की दिक्कत होती है ना हमारे पास, तो इनको हम लोग मिटा लेते हैं। देखो ऐसे मिट जाता है, ये थोड़ा सा ये दोबारा लिखना पड़ेगा अपने को। ये अक्ष है, ये टू अक्ष है, ये वाई है, ठीक है डियर। आ जाओ कंपेयर करूं, जो कंपेयर करते हैं लो, एक्स की वैल्यू क्या है इधर, एक्स की वैल्यू 1 है, बोलो हाँ या ना। एल की वैल्यू क्या है इधर, तो एल की एल पे वैल्यू क्या भाई, एम पे एक्स है, इधर 1 है, इधर क्या है 0 है, उधर क्या है 2x प्लस वाई है। टी की वैल्यू क्या है इधर, -2 है, इधर क्या है -2x माइनस वाई प्लस जेड, कुछ नहीं आने क्या मैंने। अब आप देखो एक्स की वैल्यू 1 है, तो दोस्तों इस एक्स को यहां पुट करूंगा तो ये 2 प्लस वाई हो ना, 2 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया -2, तो आप कितना तो कर लो यार, एक्स इक्वल टू 1 हो गई, यहां एक्स पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। अब यहां पुट करना थोड़ा बड़ा, इसलिए देखो -2, एक्स क्या है तो ये -2, वाई क्या है --+2, और ये तेरा क्या है भैया जेड, ठीक है डियर। तो तेरे सामने ये क्या हो गया कैंसिल आउट, जेड का मान क्या आ गया -2, तो डियर जेड की वैल्यू क्या आ गई -2। अब तू खुद देख, एक्स 1 वाई -2 जेड -2, तो स्पष्ट है ऐसा आंसर कौन सा हो गया हमारा, फोर्थ आंसर हो गया भैया, आ गया फोर्थ आंसर, ठीक है डियर। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा एस्पेक्ट था, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -2 है और जेड की -2 है, हो गया। अब बताओ डायमेंशन पे की मात खाओगे, मात कौन बच्चा खाएगा, जिसको डायमेंशन याद नहीं है। तो जिसको डायमेंशन याद नहीं है वो गलती किसकी, पेरेंट्स की, टीचर की, रूममेट की, ना गलती तेरी, तूने पढ़ाई नहीं की। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों अब हम छठे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना, जो नीट 2016 की सेकेंड एग्जाम में आया था। ओके डियर, फिर वो क्वेश्चन है, फिर वो डायमेंशन, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एस, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी, आर द फंडामेंटल कॉन्स्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। हमें इन तीनों को लेंथ में कन्वर्ट करना है, लेंथ के रूप में। अब ध्यान सुनो भैया, यहां प्लैंक कॉन्स्टेंट और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ये डायमेंशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई, इनको याद करना अपने आप जरूरी है। क्वेश्चन में बाद में आता हूं मैं, आप सब जानते हो कि एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है एटोमिक स्ट्रक्चर में, MVR NH अपॉन 2π, याद है ना, एंगुलर मोमेंटम जो है वो h का मल्टीप्लायर होता है, या h बाई 2π का, ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट, तो h की डायमेंशन वही है डियर जो एंगुलर मोमेंटम की है, और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन अपन जानते हैं क्या होती, याद है m1 l2 t-1, ये पुत्र अपने आप में क्वेश्चन है। उसके बाद g की जो डायमेंशन है वो तो बहुत प्यारी है भाई, m-1 l3 t-2, इसको तो मैं कभी नहीं भूल सकता, मेरी पीटी एग्जाम का पहला क्वेश्चन था मेरा यार ये, इसलिए कभी भूल सकता है नहीं इसको तो मैं, कि इससे पहले क्वेश्चन मुझे कॉन्फिडेंस दिया था यार बस अब अच्छा पेपर रहेगा अपना। तो डियर प्लैंक कांस्टेंट की आ गई, जी की आ गई, डायमेंशन बार बार कह रहा हूं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ओके डियर, अब मैं मेरे प्रश्न पे आता हूं। मैंने पिछले दो जो क्वेश्चन करवाए हैं मैं सेम उसी प्रश्न पे हूं, लो इस बार मैं थोड़ी इसकी सिक्वेंस चेंज कर लेता हूं। आप सोचे उस पहले को पहले लिखना पड़ता है दूसरे को, ऐसा कुछ नहीं है, लो मैं उल्टा करता हूं। लो लेंथ है ना, तो लेंथ कौन है m0 L1 T0, आ जाओ जी। मैं तो भैया लास्ट में कौन है, पहले H है फिर C है फिर G है, लो जी मैं तो G पे तो लगाऊंगा अक्ष, आ जाया, और H पे लगाऊंगा Y और C पे लगाऊंगा Z, लो चेंज करूंगा इसको कि आपको लगेगी क्रम, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, शुरू करें आ जाओ। विमा मत भूलना भाई, G की क्या है M1 L3 T-2 अक्ष, प्लैंक कांस्टेंट क्या है याद है m1 l2 t-1 की पावर y, c आप जानते ही हो m0 l1 t-1 की पावर z। फिर से कहता हूं मैंने पहले को आखिरी कर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीन जो फंडामेंटल है इनको कन्वर्ट करना है, आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं जी, इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि अपने पास जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है डियर मिट गया। अब आ जाओ इधर कौन था m0 l1 t0, स्टार्ट करूं भैया आ जाओ, m की पावर क्या है डियर 0, इधर m की पावर क्या है जी माइनस x है y है, ओके तो लिख दूं
माइनस एक्स प्लस वाई। लो जी पूरा हो गया। आ जाओ एल पे, आ जाओ एल पे कौन है वन, यहां एल पे कौन है इक्वल टू कौन है बोलो बोलो थ्री एक्स प्लस, प्लस क्या है टू वाई, प्लस क्या है जेड, दूसरा हो गया। तीसरे पे आ जाओ टी पे फिर क्या है जीरो, टी पे क्या है माइनस टू एक्स प्लस माइनस सॉरी माइनस वाई और माइनस जेड। ये लो भैया हो गई तीन इक्वेशन। फिर से कहता हूं मैंने सीक्वेंस चेंज कर ली। कई बार एक बच्चे पूछते हैं साहब ये जो सीक्वेंस देता है क्या उसी के रूप में लेना होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं है बेटा जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप जाओ यहां से आ जाओ, पहला डिस्कस हो गया एक्स इक्वल टू वाई। अब आप इसमें से जहां जहां एक्स है वहां वाई कर लो ताकि वाई जेड की दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो एक्स वाई करूं तो इसको मैं से कर दूं वन इक्वल टू ये कौन है डियर थ्री वाई, एक्स वाई है ना तो थ्री वाई प्लस टू वाई प्लस जेड। और यहां भी वही कहानी करें अपन, जहां एक्स है वहां वाई लिख दें तो ये क्या होगा माइनस टू वाई माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है साहब, अब आगे चले थोड़ा सा अपन इस चीज को आगे ले तो जेड प्लस फाइव वाई इक्वल टू वन, और ये क्या डियर जीरो इक्वल टू माइनस थ्री वाई माइनस जेड। तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या कि जेड प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, बोलो हाँ या ना। और ये क्या है जेड प्लस फाइव वाई इक्वल टू वन, चलो माइनस 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 करो कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हाफ, आ गई ना, तो वाई हाफ है तो एक्स भी हाफ है। तो यहां लिख दूं आपके सामने एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या हो गया हाफ, एक्स हाफ है वाई हाफ, तो एक्स हाफ और वाई हाफ है तो जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं लो। तो जेड की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं लो फटाफट ही, एक्स हाफ लो लिख लो, ये जीरो था ना तो जीरो, एक्स क्या है हाफ लो जी एक बट्टा दो से गुणा कर दो, वाई क्या है हाफ ये लिख दो जी, ये कौन है माइनस जेड, ये डियर तेरे सामने सामने क्या आ गया माइनस वन, ये क्या है माइनस हाफ, ये क्या है माइनस जेड, ये तेरा तीन बट्टा दो हो गया। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री बाई टू। तो बिल्कुल सिंपल है डियर, एक्स की वैल्यू प्लस हाफ आ गई, वाई की वैल्यू प्लस हाफ आ गई और जेड की वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री बाई टू। क्लियर, चलो जी अब इसको मिटाते हैं अपन। अब अपने को थोड़ा इसमें पीछे देखने वाली स्थिति इसमें रहती नहीं है तो याद रखना पड़ेगा एम जीरो एल वन टी जीरो, हमने सबसे पहले किसको लिया था भाई याद है क्या, जी को लिया था इस पे एक्स लगाया था, फिर हमने किसको लिया था याद है क्या सी को लिया था जिस पे हमने वाई लगाया था, उसके बाद हमने किसको लिया था एच को जिसके ऊपर हमने जेड लगाया था। कैसा किया था हम लोगों ने, हमने ऐसा नहीं किया था, हम लोगों ने किया था हमने निश्चित रूप से जी के ऊपर हमने क्या लगाया था एक्स, और हमने एच पे क्या लगाया था वाई, और हमने सी पे क्या लगाया था हम लोगों ने जेड। ठीक है डियर, बस अब इसको कन्वर्ट करें तो आपके सामने सामने जी पे एक्स था, एक्स की वैल्यू क्या है हाफ, तो जी की पावर क्या आ गई हाफ, एच की पावर वाई वो भी क्या था हाफ, तो एच की पावर भी क्या आ गई हाफ, सी के पावर जेड, जेड क्या था हमारे याद है क्या माइनस माइनस थ्री बाई टू। तो लो डियर, तो आपके सामने सामने एम जीरो एल वन टी जीरो की जो डायमेंशन आ गई तो इसको तो ऊपर ले लो जी और एच को तो, और ये तेरा नीचे है सी, ये सी थ्री बाई टू, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो गया फोर्थ। ठीक है डियर, ओके थैंक यू। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट पे है, मैं क्लियर कर दूं आज के कुछ सालों पहले इंस्ट्रूमेंट पे एग्जाम में क्वेश्चन नीट में नहीं आते थे, बट पिछले एक दो साल से नीट में भी वर्नियर कैलिपर्स पे स्क्रू गेज पे क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो बहुत से साथी कई बार इनको नहीं पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है बेटा जी एनसीईआरटी में मुश्किल से एक डेढ़ पेज का मैटर है, हर गाइड में मिल जाता है, हर मॉड्यूल के अंदर है, हर टीचर क्लास में कराता है, एक बार आपने क्वेश्चन को देख लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हो सकता है 2020 में इस पे क्वेश्चन आ जाए। क्या कहता है देखो, एक
स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कंसाइड्स विद 25 डिवीजन अबाउट द रेफरेंस लेवल इफ स्क्रू गेज हैज 0 एरर ऑफ -0.04 सेंटीमीटर द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज. प्रश्न बड़ा अच्छा है. किसी छात्र ने इस्पात की लघु गेंद का व्यास नापा, डायमीटर नापा अगले ने, जिसका अल्पमांक ये है, मुख्य पैमाने की माप 5 है, वर्तीय पैमाने की माप 0, संदर्भ पे 25 भाग है और शून्यांक त्रुटि ये है. दोस्तों इसकी पूरी बात तो करना बहुत मुश्किल है, क्लास इसमें पूरी होती है. इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसमें हमें जो मास्टर फॉर्मूला बनता है वो मास्टर फॉर्मूला आप दोस्तों नोट कर लो. इसका जो मास्टर फॉर्मूला है वो है MSR. MSR का मतलब क्या हुआ? मुख्य स्केल रीडिंग प्लस CSR जो वर्नियर है, और दोस्तों माइनस इसमें हम कर देंगे 0 एरर, माइनस 0 एरर. ये इसको आर नोट के रूप में कह सकते हैं. इस रीडिंग जो है प्लीज ये याद कर लें आप लोग. एम का मतलब मैन स्केल, सी का मतलब सर्कुलर स्केल, माइनस 0 एरर. बस कुछ नहीं करना. एक बात ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में है वो मिलीमीटर में है, थोड़ा चेंज करना होगा इसमें. इसमें कुछ डेटा मिलीमीटर में है शायद, है ना. हाँ, वो 5 mm है, तो इसको थोड़ा हमें से चेंज करना होगा. तो सबसे पहले MSR क्या है? तो MSR दोस्तों कौन है? मूल स्केल वैल्यू है जो कितनी हमारी, वो 5 mm है. ये लो जी 5 mm है. प्लस CSR क्या है? CSR का मतलब वर्तीय स्केल पे हमारी वैल्यू क्या है, तो कितने हैं, 25 खाने हैं. लिस्ट वैल्यू क्या है, 0.001 सेंटीमीटर है. इसको mm में चेंज कर लो तो 0.01 mm हो जाएगा. तो इसको दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, 25 को मल्टीप्लाई करना है 0.01 से. प्लीज मिस्टेक नहीं कर रहा हूं मैं, ये सेंटीमीटर मिलीमीटर में. माइनस 0 एरर, जो माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगी 0.04, यहां भी एक 0 कम हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में है. दोस्तों इन सबको आप जोड़ते हैं तो आपके सामने, आप इनको ऐड करके देख लें, इसकी वैल्यू आएगी 0.529 सेंटीमीटर. ठीक है डियर, तो ये आपके सामने इसकी सारी व्यवस्थित एक चीज होगी, 0.529 सेंटीमीटर. अभी तो चेंज किसमें कर रखा हमने, मिलीमीटर में, क्योंकि सब कहां लिखे हुए, मिलीमीटर में. सेंटीमीटर चेंज करोगे तो 0.529 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा. मैं फिर से कहता हूं, आप एक बार एरर की, इंस्ट्रूमेंट के एरर की प्रॉब्लम को देख लेना. विशेष तो रिपीटर बच्चा होता है जो छोड़ देता है इसको. कोई बच्चा 2-3 साल से रिपीट करा तो उसको लगता वो जो 11वीं 12वीं पढ़ता था तो टीचर ने पढ़ाया नहीं होगा. तो दोस्तों उसमें टीचर नहीं पढ़ाते थे, 2016 तक मैंने पढ़ाया, उस समय इसको पढ़ाते थे, बट आजकल क्वेश्चन आने लग गए. फिर से कहता हूं, MSR, CSR, माइनस 0 एरर, बहुत सिंपल एस्पेक्ट है दोस्तों. ओके डियर, थैंक यू. ओके डियर, फिर आपका क्वेश्चन आ गया परसेंटेज एरर पे, जिसकी चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका हूं क्वेश्चन में. दोस्तों उसकी बात बता दी थी मैंने, अब सीधा टेक करता हूं आपको. अब उसको दोबारा पढ़ाना और दोबारा पढ़ना फिर टाइम वेस्ट करना है. अब सीधा दोस्तों, सीधा 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 डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू 2 को नीचे उतारो, डेल्टा ए बाई ए, हाफ को दोस्तों नीचे उतारो, डेल्टा बी बाई बी, प्लस 1/3 को नीचे उतारो, डेल्टा सी बाई सी, दोस्तों 3 को नीचे उतारो, डेल्टा डी बाई डी. मैंने बार बार कहा है पावर ऊपर हो नीचे हो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी दोस्तों. आ जाओ जी 2, एक ए बी सी डी का, ए का कितना एरर है 1, प्लस हाफ, बी का कितना एरर दोस्तों 2, ये 1/3, सी का कितना एरर है 3, और दोस्तों ये आपका 3, इसका कितना है 4. तो आप देखें 2 + 1 + 1 + 12 12 13 14 12 13 14 15 16, दोस्तों 16% इसका आंसर आ गया. ओके डियर, हो गया. तो आप देखो कहीं जोर नहीं आया ना. तो आप थोड़ा सा एग्जाम पे अटैक करना सीखें अपना यार. एग्जाम पे अटैक ऐसे नहीं होता कि बार बार कॉपीज मॉड्यूल्स और पढ़ते रहें, अब क्वेश्चन से आप थ्योरी पे जाएं. तो ये मैं आपको प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आप इस अटैक ट्रिक पे आ जाएं. तो गामा बैच का भी मोर देन 50% बच्चा रिजल्ट निकाल देगा नालायक. अपना थोड़ा सा मेरे साथ हो जाओ. ओके थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपका क्वेश्चन किस पे है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज. वो आपको साफ कहता है कि उसमें चालक मात्रक बताओ. मात्रक पे भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों. मैं थोड़ा सा इस पे एक फॉर्मूला बता दूं, आपको याद हो थर्मल कंडक्टिविटी. अब सब जानते हैं मेरे पुराने बच्चे, मेरा फेवरेट टॉपिक होता है कि माना किसी छड़ का टेम्परेचर यहाँ θ1 है, यहाँ θ2 है, इसकी लेंथ दोस्तों एल है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, यहाँ से कोई क्यू उष्मा है जो इसमें प्रवाह होती है.
तो हम जानते हैं उष्मा प्रवाह की दर इसमें कितना क्यू निकलता है, तो पूरी क्लास जानती है क्यू इक्वल टू के ए थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल। इसको अपन रेट ऑफ करें, इसको अपन डी क्यू बाई डी टी करें, तो दोस्तों इधर इसको डी क्यू बाई डी टी से हम लें तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला बन जाता है के ए, इसको मैं थीटा की डी टी कर लेता हूं दोस्तों ताकि क्यू और टी कंफ्यूज नहीं करें मेरे को। लो जी, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के ए डी टी अपॉन एल में कन्वर्ट हो जाता है। अब मुझे क्या चाहिए भैया, मुझे उष्मा चालकता, मुझे इसका मात्रक चाहिए। तो आ जाओ जी, के इक्वल टू क्या आएगा, ये कौन है भाई, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू उष्मा, ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब जूल, तो ये दोस्तों जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड क्या होता है पावर, तो ये आपका वाट, ये वाट हो गया। ठीक है डियर, ए नीचे आएगा, ए नीचे लिया, ए का मतलब एरिया, तो वो कौन होगा मीटर स्क्वायर। अब आपके सामने ये कौन है डी टी बाई एल, तो डी टी का मतलब तो कौन है केल्विन, एल का मतलब कौन है मीटर, से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो तेरे सामने वाट को मैं डब्ल्यू से शो कर दूं, ये तेरा एम, ये तेरा के, तो तेरे सामने वाट, ये ऊपर एम ला, ये माइनस वन, ये तेरा के ला, ये माइनस वन, ये दोस्तों आपकी के की डायमेंशन आ गई, क्या है डब्ल्यू एम माइनस वन के माइनस वन, ये आपका दोस्तों इसका सेकेंड आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा आस्पेक्ट रहता है डियर। फिर सुनो, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट नहीं करते, इस तरह से करा दिया आपको मैंने, ओके थैंक यू। ओके डियर, अब हम वन डी की तरफ आ गए, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, एरर हो गया, मेजरमेंट हो गया, अब कहां पर आ गए वन डी पर, क्योंकि उसके बाद वन डी आती है ना। तो 2013 जब पहली बार नीट हुआ था, उसके बाद नीट नहीं हो पाया था, बीच में डिस्टर्ब हो गया था जो भी रहा, और याद करो 2013 का हमारा सुनील बिश्नोई जिसका 33 रैंक आया था नीट के अंदर, जो सीकर की आज तक की सबसे बेस्ट और लिस्ट रैंक है, इस बार उसको सीएलसी का बच्चा तोड़ेगा निश्चित रूप से, सीएलसी का अपने रिकॉर्ड अपने सीएलसी बच्चे तोड़ते हैं। ओके डियर आ जाओ, स्टोन फॉल्स फ्री अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस एच वन एच टू इन फर्स्ट फाइव सेकेंड फाइव एंड नेक्स्ट फाइव सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन एच वन एच टू एच थ्री। दोस्तों साहब कहता है कि एक कोई मीनार है, वहां से बोल पटकी, पहले 5 सेकंड बोल चली एच वन, अगले 5 सेकंड चली एच टू, और अगले 5 चली फिर एच थ्री, तो कहता एच वन एच टू एच थ्री का रेशियो बताओ, तो ये तो गांठ मान लो आप, पहला सेकंड फिर अगला सेकंड फिर अगला सेकंड पूछता है, तो दोस्तों इसका रेशियो हमेशा 1:3:5 होता है। आंसर तो आपको दे दिया यही मैंने, बट यहां दो बातें मुझे आपसे करनी है, उस पर आता हूं। आंसर तो आपका हो गया, वो क्या है बातें दोस्तों, कि जैसे ये एक मीनार है, प्लीज इस मीनार से मैं एक गेंद को छोड़ता हूं यू इक्वल टू जीरो से, विराम अवस्था से किसी बोल को मैं किसी मीनार से छोड़ता हूं और वो बोल जमीन पे आती है। अब यहां दो बातें हैं, अगला कहता 2 सेकंड में बोल द्वारा तय की गई दूरी और दूसरे सेकंड में बोल द्वारा तय की गई दूरी फर्क है, कैसे, एक वीक में 6 दिन होते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक, माना आप 10 रोटी टिकाते हो मैस की डेली, आपसे पूछे कोई 6 दिन में खाई गई रोटियां बताओ, आप कहोगे 60, अगला कहे 6ठे दिन में खाई गई रोटियां बताओ, तो आप 60 बताओगे क्या, ना 6 दिन में टिकाई गई चपातियां और 1 दिन में टिकाई गई चपातियां, 2 क्वेश्चन हो गए ना, तो 6 सेकंड में चली दूरी और 6ठे सेकंड में चली दूरी, आर यू एग्री, बस यही प्रश्न है। आ जाओ दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आप खुद कह रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या 0, तो आपका 0 हो गया, तो एच इक्वल टू है हाफ डियर जी टी स्क्वायर, क्लियर, जी का मान है 10। लो मैं अभी एक बात करता हूं, वो कहता साहब बताओ 1 सेकंड में दूरी कितनी चलेगी, तो पूरा सोल्व कर लें, एच वन हाफ जी का मान 10 मान लो, 9.8 की 10 मान लो, तो ये आपके सामने आ गया 5। अगला कहता साहब 2 सेकंड में चली दूरी, तो आपके सामने क्या होगा, ये तो 10 का 10 रहेगा, ये आपका 2 × 4, तो ये आपका कितना हो गया भाई 20। अगला कहता दोस्तों 3 सेकंड में चली दूरी, तो आपके सामने वो एस थ्री है, वो कितना होगा हाफ, ये आपका 10, ये आपका 9, ये आपका कितना हो गया 45। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 1 सेकंड में आपकी गेंद कितना चलेगी 5 मीटर, 2 सेकंड में गेंद कितना चलेगी 20 मीटर, 3 सेकंड में गेंद कितना चलेगी 45 मीटर, ऐसे ही मुझे तो याद है आप करना चाहते, 4 सेकंड में दोस्तों चलेगी वो 80 मीटर, और 5 सेकंड भी याद कर लो उसमें चलेगी वो 125 मीटर, याद कर लो भैया, इसको सुन ले भैया, ये आपको आंकड़े याद करने होंगे, इतने प्रैक्टिस याद होंगे, तू कोचिंग आया था
उस दिन तेरे को मेरा नाम पता नहीं था ना, दोस्तों नाम पता नहीं थे ना, याद हो गए ना, सीकर में कितने मोल हैं पता नहीं था ना, अब तो याद हो गए ना, क्योंकि तेरा इंटरेस्ट हो गया उनमें, इंटरेस्ट इधर करने से याद हो जाएगा। यदि किसी मीनार से किसी बोल को यू इक्वल टू जीरो छोड़ा जाए तो एक सेकंड में चलेगी 5, 2 में 20, 3 में 45, 4 में 80 और 5 में 125। ठीक है डियर, ये इस बोल के द्वारा तय की दूरी है। तो आप यदि इसको एक साथ रखो और यदि आप इनको एक साथ रख के आप देखो तो 5:20:45:80:125 डिवाइड करना 5 से, 1:4:9:16:25 ऐसे नहीं हो गया, 1:2:3:4:5। अरे कहां से आया, आ गया ना बोले आदमी, बुद्धि मत लगा यार, GT² ये नहीं है क्या, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T² आया ना, बोल यस। यानी एक सेकंड में 1:2:3:4:5 क्लियर हो गया। अब मैं तेरे प्रश्न पे आता हूं, ठीक है, ये था एक सेकंड में, एक दिन में खाई रोटी, दो दिन में खाई रोटी, तीन दिन में खाई रोटी, चार दिन में खाई रोटी, पांच रोटी खाई, आपने सारी गिन दी। अब वो कहता तूने सेकंड डे कितनी खाई और थर्ड डे कितनी खाई, ले थोड़ा सा मैं फॉर्मूले पे आने के बजाय एक ट्रिक पे आता हूं पहले। ये कितना था 5, ये कितना था 20, ये कितना था 45, ये कितना था 80 और ये कितना था 125। देख, एक सेकंड में कितना गिरी 5, दो में कितना गिरी 20, तो दो में कुल गिरी 20, एक में गिरी 5, तो सेकंड में कितनी गिरी बोलना 15, बोल बोल कितनी गिरी 15, तो एक सेकंड में चला 5, दूसरे सेकंड में कितना चली 15। अब आगे चल, दो सेकंड में चली 45, दो में चली 20, तीन में चली 45, तो थर्ड सेकंड में कितना चलेगी ये 25। तो आगे ना अनुपात यार, 1:3:5, इसको बोलते हैं nवे सेकंड में चली दूरी। इसका जो फॉर्मूला है वो दोस्तों फॉर्मूला आपका होगा h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2n-1 का मल्टीप्लायर। ये लो जी, ये लो जी, ये एनवा सेकंड, जैसे पहला सेकंड n का मान 1 है तो h को 1, दूसरे में 2×2=4, 3, तीसरे में 5, 1, 3, 5। और इसका फॉर्मूला जो बनता है वो फॉर्मूला ऐसे बनता डियर, h इक्वल टू g/2 2n-1। ये है एनवे सेकंड में चली दूरी, कब, जब किसी मीनार से u=0 से किसी बोल को छोड़ा जाता है। अब मैं इस बात को समराइज कर देता हूं, मैंने कहा ना केवल प्रश्न का सॉल्यूशन मेरा टारगेट नहीं है दोस्तों। एक बंदा मीनार पे खड़ा है, वो एक बोल को छोड़ता है, तो एक सेकंड में, दो सेकंड में, तीन सेकंड में, चार सेकंड में, पांच सेकंड में बोल द्वारा तय की दूरी है 5 मीटर, 20 मीटर, 45 मीटर, 80 मीटर, 125 मीटर। और दूसरे से पहले सेकंड में कितनी 5, दूसरे सेकंड कितनी 15, तीसरे में कितनी 25, चौथे में कितनी आगे चलें, पांचवे में कितनी, वो डिफरेंस निकाल लें। तो उनका रेशियो था 1:1, वो था एच था T² के समानुपाती, और यहां है ये 2n-1 के समानुपाती, वो दोस्तों स्क्वायर के समानुपाती था। ये आपके सामने विषम संख्या के समानुपाती 1:3:5, ये आपका क्वेश्चन था। तो ये आपका आंसर आ गया। ये करीब करीब एग्जाम में सीधा पूछा जाता है भाई, इसको याद कर ले, 1:3:5। ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, अब मैं जिस प्रश्न पे आ रहा हूं ना, ये मेरा प्रिय प्रश्न है, AIPMT 2015 में आया है, आप इसको समझ लो। इसमें वेक्टर को ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर दिया अपन ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सिंपल प्रश्न है। वो ये कहता है कि एक बोट है जो पश्चिम की ओर जा रहा है, दूसरा बोट है वो उत्तर दिशा में चल रहा है ऐसे, तो वो इससे 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अभी दोनों ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो आपको वो टाइम बताना है कितने टाइम बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना वो मिनिमम हो जाएगी, ऐसा कुछ प्रश्न बनता है। पढ़ो, ए सिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर/आवर एंड ए सिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर/आवर, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स शॉर्टेस्ट। ठीक है डियर, जब जब दिशाओं की बात आती है ना तो आपके पास इसके अलावा दोस्तों कोई रास्ता नहीं है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लें इसको। जब भी साइड बात आती है ईस्ट वेस्ट, आप तुरंत पढ़ा लो इसको,
बढ़ा लिया, अब पढ़ो क्या कहता है। एक जहाज ए 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से पश्चिम दिशा में, ये जहाज जा रहा है, जाने दो जहाज को, क्या स्पीड अगले की 10 किलोमीटर पर आवर। और अगला कर एक अन्य जहाज बी, ए जहाज से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, है ना, और उसके बाद वो उत्तर दिशा में इधर जा रहा है, ए यहां है, और इसकी स्पीड भी क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। बस अब वो कहता दोनों के बीच से मिनिमम दूरी बताओ कब होगी। दोस्तों माना कि किसी, देखो ऐसे देखो, ये जहाज ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, मान लो ये वो पोजीशन है जब इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, लो जी एस, और आप अच्छी तरह जानते हो दो पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस हमेशा उनके बीच खींची गई परपेंडिकुलर लाइन होती है। जैसे मैं कहूं ये ए है ये बी है, तो इनके बीच दोस्तों इससे कम डिस्टेंस नहीं हो सकती, क्लियर, ये इसकी सबसे कम डिस्टेंस है, जिसको अपन बाद में डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ये दोस्तों आपके सामने एक व्यवस्था बने, अब आप सब भूल जाओ, ये एक आपका त्रिभुज बन गया, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। बस अब इस मुद्दे पे आ जाते हैं, वेक्टर भूल जाते हैं, एस का स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस क्या होगी, जब से घटना शुरू हुई, दोनों जहाज की घटना एक साथ स्टार्ट हुई है ना, तो समय तो एक जैसा होगा, ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी हम जानते हैं भाई, v इक्वल टू एस बाई टी, तो s इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, v क्या है 10, टाइम क्या है t, तो डिस्टेंस कितनी है 10t, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना अपने को 10t का स्क्वायर, प्लस ये डिस्टेंस कितनी थी 100 किलोमीटर दूर थी, पर कितना चल के आ गई वो, इसका स्पीड भी क्या है 10, ये भी 10 चल के आ गई, तो इसका फॉर्मूला होगा 100 - 10t का स्क्वायर। बोलो बोलो पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ये कितना चली 10t, ये कितना चली 10t, बट डिस्टेंस कितनी बची 100 - 10t, बस, और ये इसकी एस हो गई। अब आप जानते हो कि आपको मिनिमा या मैक्सिमा जब भी कहीं चेंज करना होता है तो दोस्तों समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ पूछा यहां पर, उसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर दो, बस यही करेंगे, इसको आउकलन कर देंगे और जीरो कर देंगे, ठीक है डियर, तो इसका आउकलन करके लो जीरो कर देते हैं भाई, बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच से हमारा काम हो जाएगा। आ जाए भैया, तो इधर तो आपको नो डाउट जीरो करना है, जीरो कर दिया। अब देखो 100t² यानी ये कितना है तेरा, चलो एक बार मैं इसको एस स्क्वायर लिख लेता हूं, ये 100t² प्लस 100 - 10t का स्क्वायर। अब दोस्तों इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये जीरो कर देंगे, ये कितना बचा तेरा का 200t, क्यों, तो नीचे आ गया। अब यहां इसका अवकलन करना, तो तेरे को पता दो नीचे आता है, पहले दो नीचे आएगा 100 - 10t, और अब क्या होगा दो में से एक हो गया, अब अंदर आए कोष्टक के, तो इसका तो अवकलन क्या है जीरो, इसका क्या है -10, थोड़ा सा देख ले विधान से, याद है ना x की पावर n का अवकलन क्या होता है n x n - 1, पहले इस कोष्टक का ब्रेकेट का करें, दो नीचे आएगा 100 - 100t पावर 1 कम होगी n - 1, फिर अंदर आएंगे तो ये तो t के सापेक्ष जीरो है, कॉन्स्टेंट सॉरी जीरो हो गया, ये 10t - 10 हो गया, बस आ जाओ जी। अब आप देखें आगे थोड़ा सा, ये क्या डियर 200t, ये तेरा -10, तो ये क्या हो गया -20, 100 - 10t, बस क्यों भाई बात समझ आ रही है। बस अब आप देखो ये 200t को इस तरफ ले लो, ये 200t इक्वल टू 20 100 माइनस 10t, इसको इसे कैंसिल आउट कर दे, ये तेरा क्या है 10t इक्वल टू 100 - 10t, इधर लिया 20t इक्वल टू 100, तो इक्वल टू दोस्तों t इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद ये तेरा आंसर आ गया, 5 सेकेंड के बाद या 5 आवर सॉरी, यहां सेकेंड नहीं होंगे घंटे लेंगे, क्योंकि समय किसमें दे रहा है वो फर्क नहीं पड़ने वाला, आवर्स में तो आंसर किसमें आ जाएगा आवर्स में, 5 घंटे बाद इनके बीच की डिस्टेंस लिस्ट होगी। लो जी, तो दोस्तों मैंने इसको कहीं भी वेक्टर फॉर्मेट में नहीं बताया है, ये ट्रिक होती है सोल्व करने की। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों फिर वही क्वेश्चन है 1D पे, इसमें भी डिफ्रेंशिएशन का अच्छा उपयोग है भाई, अवकलन का अच्छा प्रयोग है, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग इसको, है ना, एक अच्छा यूज किया इसने अवकलन को। ये कहता है पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज 1D मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू Vx b। दोस्तों ये वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग बदल रही है,
where beta and n are constants and x is the position of the particle, the acceleration of the particle as a function of x is given by. अगला साहब कहता है एकांक द्रव्यमान का कण है जो 1D मोमेंट कर रहा है, ये इसका चेंज हो रहा है. अगला साहब कहता है तो इस कण के त्वरण को x के फलन के रूप में परिवर्तित करना है, आपको इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है दोस्तों एक्सीलरेशन. क्लियर? और एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं, एक्सीलरेशन निकालने का मतलब क्या होता है, सुनो देखो. पहले तो मैं इस बाहर आता हूं. सबसे पहले होता है एस, फिर होता है वी, फिर होता है ए. पहले डिस्टेंस होती है, फिर वेलोसिटी होती है, फिर एक्सीलरेशन होता है. देखो बड़ा सिंपल तरीका है, आप एस का टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और दोस्तों वेलोसिटी को डिफरेंशिएट के समय के साथ डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा. कहीं कोई दिक्कत नहीं है. देखो ध्यान दे क्लास, एस के अवकलन करने से वेग आता है, वेग के अवकलन से त्वरण आता है, और त्वरण के समाकलन से वेग आता है, और वेग के समाकलन से डिस्प्लेसमेंट आता है. यानी डिफरेंशिएट करोगे तो एस से वी आएगा, वी से ए आएगा, और इंटीग्रेशन करोगे तो ए से वी आएगा, वी से एस आएगा. ये गांठ मान लें आप लोग, ये मास्टर फंडा इसका. बस यही चीज हमें बतानी थी आपको, जो बता दी. अब आ जाओ जी, आपको दोस्तों वी का फॉर्मूला दिया अगले ने. साफ कहता वी क्या है, बीटा एक्स की पावर माइनस टू एन. और हमें क्या पूछ रहा है अगला, ए पूछ रहा है. तो दोस्तों ए का एक मास्टर फॉर्मूला है जिसको अपन चैन रूल कहते हैं. ये प्योर मैथमेटिक्स है, नीट बातें आज आ गया भैया, नीट 15 आ गया दोस्तों. एक चैन रूप कहते हैं इसको, इस तरह डिफाइन करता है वी डी वी बाई डी एक्स. ये बहुत बड़ी चीज है, इसको थोड़ा ध्यान दिया क्लास. मेरे पास वी का फॉर्मूला था, मुझे ए चाहिए, ए चाहिए, तो मेरे को इसका वी का ये क्या रहा है, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है. इसको चैन बोलते हैं, चैन श्रृंखला नियम कहते हैं डिफरेंशिएशन का. मैथ का फंडा, उनमें कॉमन बात, मैथ के बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है. अब आपको साहब ये कहां से आ गया, ये दोस्तों बताऊं कहां से आया, ये यहां से आ जाता है. ये वी, ये डी वी बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स. आप ऐसा करें डी टी से नीचे मल्टीप्लाई कर दें और डी टी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया. आपने डी टी से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और डी टी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कौन है तेरा, डी वी बाई डी टी. मैं शायद कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाएंगे, डी वी बाई डी टी क्या होता है, ए मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स क्या होगा दोस्तों, वी, वी से वी कैंसिल आउट, ए इक्वल टू ए. आया ना, वैसे ही मैथ्स की चीज है, इसको बोलते हैं श्रृंखला का नियम. ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको मिटा देता हूं. ये एक समझने की चीज थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. मेडिकल के बच्चे ध्यान दें, मैं इसे फिर करना चाहूंगा एक बार. एक देखो, मेरे को वी दिया हुआ था, मेरे हाथ में नहीं है, अगले ने मुझे दिया उसके अकॉर्डिंग चलना है. मेरे को वी की वैल्यू दे रखी है, मुझे अगला साफ कहता है एरा ए चाहिए, और किसके फॉर्मेट चाहिए मेरे को, एक्स के. यदि दोस्तों यही ए मुझे चाहिए टी के फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं थी. हेलो, यदि मेरे को अगला वी दे दे और ए पूछे किसके फॉर्मेट में, टी के फॉर्मेट में, अरे दिक्कत कहां है, ये ले यार, डी वाई डी टी खत्म, क्वेश्चन नहीं फिर तो. ये बट अगला कहता एक्स के फॉर्मेट में चाहिए, तो मेरे को एक्स का फॉर्मेट चाहिए. तो ऐसा कर तरीका होता है, इसको यहां भी डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दे, यहां भी डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दे, कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं. बस अब यहां से इसको कर दिया तो ए इक्वल टू, तू जानता है कि डीएक्स बाई डी टी क्या होता है, अरे वी नहीं होता है क्या, तो बस ये वी और ये कौन बच गया, डी वी बाई डी एक्स. तो मैं इसी की बात तो कर रहा हूं, और क्या नहीं बात कर रहा हूं यार, कान कहीं से पकड़ ले भाई जी. क्लियर? बस आ जा, अब आ जाओ. तो अब क्वेश्चन करने मजा आएगा. फिर सुनो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन. यदि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी का टाइम के सापेक्ष करते हैं डिफरेंशिएशन तो ए आता है. लेकिन कहीं नहीं कह रहा भाई जी, ये कह रहा है कि त्वरण एक्स के रूप में चाहिए, एक्सीलरेशन का एक्स के फंक्शन चाहिए मेरे को, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मेरे को एक्स में फॉर्मेट चाहिए. लेकिन मैंने तो आज तक क्या पढ़ाया तेरे को, मैंने तो पढ़ाया ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी.
मैंने या मेरे साथी ने क्या पढ़ाया, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। आपको गुरुजी अगला पूछ नहीं रहा है, कोई बात नहीं भैया, इस ऊपर डीएक्स से मल्टीप्लाई कर, नीचे डीएक्स से मल्टीप्लाई कर, आपकी इच्छा नहीं चलती वहां। हेलो, अमिताभ बच्चन सर बात करते हैं अक्सर फिल्मों में कि हमें वो रोल करना होता है जिसको दर्शक पसंद करते हैं, नहीं कि एक्टिंग हमारी इच्छा से करें। इसलिए एग्जाम में अपनी इच्छा नहीं चलती है, इच्छा उसकी चलेगी, अगला बॉल फेंकेगा, बैट आपको उसके बाद घुमाना है। बस ये तेरे सामने आ गया तो डीवी, ये तेरे सामने डीएक्स बाई डी टी है, इसको अलग कर ले, ये डीएक्स बाई, ये तेरा डीएक्स बाई डी टी है और ये तेरा डीवी बाई डीएक्स है। डीएक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं एक बार तेरे लिए पूरा फॉर्मूला कर दूं, वी डी वी बाई डी एक्स। बस अब समझ में आ गया होगा, अरे माथा पात पकड़ आ गया होगा ना, ठीक है ओके। अब आ जा, अब करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ए चाहिए ना, चल बोल बजरंगबली की जय, ए वी डी वी बाई डी एक्स, पक्का। चल भैया ए कितना आ रहा है, वी कितना है, ये रहा बीटा एक्स की पावर माइनस टू एन, ये तेरा डी बाई डी एक्स, वी कितना आ रहा है, बीटा एक्स की पावर माइनस टू एन। अगला साफ कहता भैया देख बातें रटा मत मार, वेर बीटा एंड एन आर कॉन्स्टेंट, बस कॉन्स्टेंट की बात करनी नहीं, ये बीटा इधर रखे, ये एक्स की पावर माइनस टू एन है। अब देख इसको करना डिफ्रेंशिएट, तो बीटा को बाहर निकाल, निकाल लिया, अब तेरे को एक्स की पावर माइनस टू एन को एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो ये माइनस टू एन तो नीचे आ जाएगा, ये तेरा एक्स माइनस टू एन माइनस वन, बोल हाँ या ना, बस ये तो करना है। तो ये तेरे सामने सामने क्या हो गया रे, ये बीटा का तो स्क्वायर हो गया, हो गया ना, और ये तेरा माइनस टू एन भी आ गया, और ये एक्स की पावर माइनस टू एन, और ये तेरा माइनस टू एन माइनस वन, ठीक है भाई। तो ये तेरे सामने क्वेश्चन बन गया, तो बीटा स्क्वायर है, पहले माइनस का साइन देख, तो ये माइनस का साइन रहा, ये तेरा बीटा स्क्वायर है, ये तेरा एन है, और ये माइनस फोर एन माइनस वन है, माइनस फोर एन माइनस वन है, ये तेरा थर्ड आंसर हो गया, ठीक है डियर, थैंक यू। ओके डियर, क्वेश्चन 13 नीट फर्स्ट 2016 यानी 16 नीट जो पहली बार उसमें आया, आ जाओ पढ़े। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेयर ए और बी कॉन्स्टेंट, ओके अगला खुद कहता है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन वन सेकेंड टू सेकेंड। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, वे दे दिया, समय के साथ वेग वेरी कर रहा है, ए और बी कॉन्स्टेंट है, एक सेकंड से लेके दो सेकंड के बीच इसके द्वारा चलेगी दूरी बताओ, ए भी जान दे, वेलोसिटी दे दी और डिस्टेंस पूछी, तो बता अवकलन करेगा समाकलन करेगा, बता बता बता। एस दिया होता और वेलोसिटी पूछता, एस से वी पे आओ क्या होता है, डिफरेंशिएशन है, बट वी से एस पे जाओ तो क्या होगा, इंटीग्रेशन। बिल्कुल सिंपल फंडा दोस्तों, ये ले यार, बोलो बजरंगबली की जय, वापस से ए, ये तेरे सामने v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर कर दी, आ जा करंट डिफरेंशिएशन, आ जा ए, ये ले किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, कहां से कहां, एक से दो, यस लोअर टू अपर, एक सेकंड दो सेकंड के बीच समय बाउंड दे दिया अगले ने, कहां से कहां जाना है, बस ओके डियर। वी ये भी तेरा, तो ये वी डी टी, वी डी टी क्या होता है, काहे को बुद्धि लगाता है यार, जानता नहीं क्या, एस इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो डी वी इक्वल टू क्या होता है, एस गुणा डी टी, ठीक है डियर, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया, वी इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो डीएस क्या बन गया, वी मल्टीप्लाई डी टी, बस आ गया, कहीं को दिक्कत ही नहीं है, ये तो क्या बन गया तेरा, एस बन गया ना, सीधा एस कर दूं इसको, बस इसका तू समाकलन कर। समाकलन कैसे होता है, इंटीग्रेशन भूल गया क्या, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एन प्लस वन, एन प्लस वन आया ना, बोल बोल बोल, यस यस याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, होशियार आदमी है। चलो भैया समाकलन करते हैं, आ जाओ ए t की पावर वन, तो वन में वन जोड़ें क्या आएगा, दो, नीचे भी क्या लगा दो, दो, ये तेरा b t में एक जोड़ें क्या बन जाएगा,
तीन, नीचे भी क्या लगा दो, तीन, बस कहां से कहां, एक से दो, इसको बोलते हैं लिमिट्स, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। ओके, अब आप जानते हो ना इसमें ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस बी टी क्यू बाई थ्री वन से टू तक जाएगा, क्लियर है। अब इसको बोलते हैं लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू पुट करो टी की वैल्यू दो पुट करो, मैं थोड़ा सीधा पुट कर दूं तो कहे तो यहां दो पुट करूंगा तो दो दूनी चार, ये तेरा आएगा फोर ए बाई टू, और यहां दो पुट करूंगा मैं तो दो का क्यू आठ, ये तेरा आठ बी बट्टे तीन, और माइनस अब एक पुट करूंगा तो क्या बचेगा ए बाई टू, यहां एक पुट करूंगा तो क्या बचेगा तेरा बी बाई थ्री, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं तो तेरे सामने सामने एस क्या आ गया भैया, फोर ए बाई टू प्लस एट बी बाई थ्री माइनस ए बाई टू माइनस बी बाई थ्री। चलो भैया सिक्स तक तुम ले लो, एलसीएम ले लिया, थ्री थ्री का मतलब 12A, ए ये कितनी बार गया टू, टू का मतलब क्या बार है 16B, बी थ्री थ्री ए टू माइनस टू बी इक्वल टू क्या हो गया 12 में तीन कटाओ कितने बचे भैया 9 A, और ये 16B में से कटाओ कितने बचे रहे 14 B अपॉन 6, पूरा लिख लो ढंग से तो 9 A बाई 6 माइनस 14 B बाई 6, ऐसा ऑब्जेक्ट है क्या, देखो ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं मिटा दो, तीन का भाग दे दो तो 3A बाई 2 ये रहा, ये रहा 3A बाई 2 और ये लो जी ये लो आंसर आ गया, क्लियर। ये है बेस्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, लेकिन फंडा कहां से है, डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा दोस्तों है जो इंटीग्रेशन जो होता है वो लिमिट्स में होता है अपर टू लोअर, अगला खुद कहता है एक से दो के बीच, क्लियर आया ना, ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों अब एक ऐसे प्रश्न पे आ रहा हूं मैं जो बिल्कुल एक सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ का प्रश्न है, इसमें कोई फिजिक्स है ही नहीं भाई, कहां काम है फिजिक्स। आप देखो ये प्रश्न क्या है, आप पढ़ लेना पहले बताता हूं आपको, लोग आप जानते हो आजकल आप देखते हो मोलोग्राम जाते हो थिएटर वगैरह में तो सीढ़ियां होती हैं चलती रहती हैं, ठीक है ना, तो एक कोई लड़की किसी सीढ़ी पे गई, सीढ़ी खराब थी कोई दिक्कत नहीं तो चल रही थी, तो लड़की यहां से चली और उस सीढ़ी खराब थी, वो लड़की ए से चली और बी पे पहुंच गई, उसको समय टेबल लगा। नेक्स्ट डे वही गुड़िया आई तो उस सीढ़ियां चल रही थी तो ये ए और ये बी वो सीढ़ी पे ऐसे खड़ी हो गए, जाना ना वो सीढ़ी चलती है तो उस पे आप खड़े होगे, तो इस लड़की को टाइम लगा टी टू। थर्ड डे जब वापस ये आई तो इसने क्या किया कि सीढ़ियां भी चल रही थी और खुद भी चल गई, मतलब यू खुद भी वो चल गई, होता है ना, आप सीन देखें सीढ़ी रुकी हुई है तो समय टी वन लगा, केवल आपकी सीढ़ी चल रही है, एक्सीडेंट चल रहा है तो टी टू। थर्ड डे क्या किया, थर्ड कंडीशन में वो सीढ़ियां भी चल रही हैं और वो बच्चा भी चल रहा है, वो गुड़िया बच्चे भी चल रही है तो आपका समय टी थ्री हो गया। तो ये साफ कहता है कि उसके द्वारा चलते हुए एक्सीलेटर पे चलकर ऊपर चढ़ने में लगा समय क्या, आपको टी थ्री फाइंड आउट करना है, वो भी किसके रूप में टी वन और टी टू फॉर्मेट। ओके डियर, डिस्टेंस यहां भी एस है, डिस्टेंस यहां भी एस है, डिस्टेंस यहां भी एस है, यहां वेलोसिटी आप ऐसा करो पी फॉर प्रीति कर दो, ई फॉर एक्सीलेटर कर दो और ये टोटल कर दो दोस्तों, ये वी टी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस डिस्टेंस को आज इसको तय करनी है तो इस डिस्टेंस को दोस्तों आज तय करना है तो आज ये किस वे तय कर रही है VT से, लेकिन हम सब जानते हैं भाई V इक्वल टू क्या होता है S बाई T, तो S इक्वल टू क्या होगा V, तो आज V क्या क्या है, आज VP है और VE भी है, उस समय को आपने यहां T3 डिफाइन कर दिया, बस हो गया अपना काम। ओके डियर, ये तेरा S, VP क्या था S अपॉन T1, VE क्या है S अपॉन T2, ये मैंने कह रहा अगला कह रहा है, और ये तेरा कौन है T3, ये सब दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएंगे जब इसको अपन सोल्ड करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा T1 T2 और T1 प्लस T2, ये आपका आंसर हो गया। लो जी तो मुझे बताओ इसमें कहां से फिजिक्स काम आ गई, कॉमन सेंस देखो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से फिजिक्स को महसूस करें समझें। ओके डियर थैंक यू। हाँ दोस्तों ये नीट 2019 की प्रॉब्लम है,
नदी नाव, मेरे प्रिय टॉपिक है नदी नाव, बोट और रिवर पे डिपेंड क्वेश्चन है, यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। एक व्यक्ति को या नाव के की बात नदी पार करने, दो क्वेश्चन होते हैं, कम से कम समय में और कम से कम दूरी पर। ये प्रश्न जो है ये आपको कम से कम दूरी, लघुतम पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको नदी को पार करना है। ठीक है, मैं इस प्रश्न की भाषा आपके सामने है, आप एक बार पढ़ लें। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इज इन स्टिल वाटर 20 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट इफ इज द स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेज टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। ये काम की चीज इसमें, शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विथ रिस्पेक्ट नॉर्थ, नॉर्थ के सापेक्ष दोस्तों आपको इसको अपने एंगल निकालना है। मैं थोड़ा सा आपको इस नदी से पहले एक समझने में चाहता हूं। माना एक नदी ऐसे बह रही है, आप ध्यान दो, और मैं यहां खड़ा हूं, आप मेरी तरफ देखें, नदी ऐसे बह रही है, मैं यहां खड़ा हूं, मुझे ठीक आपके पास वहां जाना है, मैं यहां से तैरना शुरू करता हूं, तो यार नदी बह रही है ना, तो मैं वहां जाना चाह रहा हूं, नदी मुझे धक्का देगी, नहाया ना धक्का देगी, तो थोड़ा सा वहां पहुंच जाऊंगा, तो वहां पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस दोस्तों शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट तो ये थी, इसलिए मुझे ऐसे किसी एंगल प्रवेश करना पड़ेगा, वो एंगल नदी का धक्के के साथ साथ मुझे यहां लेके आ जाएगा, वो एंगल आपको बताना है। यानी मेरी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट तो मुझे वहां से वहां पहुंचाने का प्रयास करेगा, और दूसरा कंपोनेंट जो नदी मुझे बहाना चाहती है अपने साथ, उसका विरोध करेगा। ओके डियर, बस यही मूल चीज है। आ जाओ, बनाए आपका डायग्राम, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। अगला साफ कहता नदी की वेलोसिटी क्या भाई, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो डियर, ये व्यक्ति ये किसी एंगल पे प्रवेश करेगा, यहां सपोज करो नॉर्थ के साथ, अगला साफ कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद कह रहा है, नॉर्थ के साथ ये किसी वी स्पीड से इंटर करेगा, तो इसका एक कंपोनेंट आप जानते हो थीटा इधर है ना, तो एक कंपोनेंट है वी कोस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट है डियर वी साइन थीटा। अब आप खुद देखो यार, इसको मैं यू कह दूं, यू आर वेलोसिटी ऑफ रिवर, U sin थीटा और U R एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो फिर जो मेरा बचा हुआ कंपोनेंट है ना, वो मुझे दोस्तों यहां से यहां ले जाएगा। नदी आपने कभी पार नहीं की होगी, मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, तेज हवा चल रही है सपोज करो, और आप हवा को ऐसे पार कर रहे हो, तो आप देखो कि हवा आपको धक्का देती है, तो आपको चलने में ज्यादा जोर आता है, एक तो आपको हवा को पार भी करना है और हवा के साथ बहना भी नहीं है, मेरी बात पड़ी आपके, हवा नहीं चल रही है, मुझे वहां से वहां जाना है, और यहां तेज हवा चलेगी फिर मुझे वहां से वहां जाना है, बताओ ज्यादा जोर कहां लगाना पड़ेगा, जब हवा चलेगी फिर मुझे वहां आना है, तो मुझे ज्यादा जोर, यानी मुझे वेलोसिटी ज्यादा लगानी होगी, मेरी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट खर्च होगा इसमें, वो बात बहुत प्यारी है। एक वी कोस थीटा, दोस्तों थीटा इधर से लोगे तो ये वी कोस थीटा हो जाएगा, ये सुनना बेच तरह से, ये एंगल यहां से लिया मैंने, क्यों, मेरी इच्छा नहीं है। अगला साफ कहता है उत्तर के सापेक्ष में कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो वी साइन थीटा यू आर के कुल हो गया, ये मेरे को इस कंपोनेंट का प्रभाव खत्म कर देगा। तो डियर एक क्लास का सुंदर सा मैटर, U इक्वल टू V साइन थीटा, U आपका 10 है, V आपका 20 साइन थीटा, ये ले डियर, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री किसके साथ, उत्तर के साथ, किधर, वेस्ट की ओर, आपका आंसर आ गया थर्ड। क्लियर, ये नदी का बेस्ट क्वेश्चन होता है। कल या परसों मैं एक दिन आपको आके नदी पे कुछ बात करूंगा। ओके डियर, तो मैं अब इस आज की क्लास को बंद करता हूं, मैंने 15 क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब डेली 1 बजे मैं आपके बीच आऊंगा कुछ प्रश्नों के साथ, ये जो प्रश्न आपको दिए जा रहे लाइव नहीं है, इनको दोस्तों शूट करके अपलोड करना होता है, तो हम इनको सुबह शूट करके ठीक 1 बजे अपलोड करेंगे, तो आप लोग 1 बजे के बाद इनको हमारे फेसबुक पे देख सकते हैं, या अपना CLC का यूट्यूब चैनल CLC सीकर वहां भी देख सकते हैं, हम फेसबुक भी डालेंगे, बट कुछ दिनों बाद फेसबुक से उठा देंगे, ये सेवल CLC के यूट्यूब चैनल पे रहेंगे, तो आप जाएं CLC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, उसको आप लाइक करें ताकि आप उससे जुड़ सकें, और प्लीज मैं चाहूंगा आज इसको मैं जो फेसबुक पे अपलोड करूं, मैं धन्यवाद दूंगा मेरे ऑपरेटर सुशील जी को, हमारे सुनील शोरान सर को और साहिल सर को, कि इन तीनों ने मेरा साथ दिया इस काम के लिए, और दोस्तों जिंदगी में पहली बार इस तरह वीडियो शूट करके अपलोड कर रहा हूँ, तो हंसना मत मुझ पर ना, और अपने सुझाव जरूर देना ताकि मैं इसको इम्प्रूव करता जाऊँ। ठीक है डियर, ऐसे कल हम अगले प्रश्नों पर आएंगे। मैं फिर से कह दूँ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
सात साल बीच में एग्जाम दो बार हुआ हुआ है, नो पेपर उठाए मैंने नीट की प्रीवियस, उनमें टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन को छांट लिया, पहले वेक्टर को लिया, यूनिट को लिया, वन डी को लिया, ऐसे कल हमारा मामला स्टार्ट होगा 2D से। तो कल डियर हम लोग जो प्रश्न आपके साथ लेंगे वो प्रश्न रहेंगे हमारे 2D मोशन के। 2D मोशन के दोस्तों पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उन पर आपसे बात करेंगे, और कुछ क्वेश्चन ज़्यादा भी हैं कोई दिक्कत नहीं, 31 तक हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर कल भी वही 17 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर। तो क्वेश्चन आपको दिखा दिया जाता है, और CLC के स्टूडेंट जो हैं वो अपने नीट प्रीवियस पेपर साथ लेके बैठ जाएं, तो दोस्तों ठीक 1 बजे आप अपना कॉपी पेन में बैठ जाएं। अब उस समय आपका टेस्ट वगैरह होता है तो उसको बाद में कभी आप जाके बैठ के देख सकते हैं। क्लियर, नमस्कार, जय CLC।